बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहुत भाई, और बहुत सुंदर जानकारी है, और ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य का विषय कि हम लोग गुरुदेव के इस कार्य के निमित्त बनकर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। 7:51 हो गए, लगभग 45-50 के बीच में हमारे गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं। मिस डिस्क्लेमर के साथ में कि ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट टीम पर, पूर्णतया निःशुल्क है। किसी भी गुरु भाई का इसमें कोई अपना व्यक्तिगत हेतु नहीं है। ये केवल और केवल विशुद्ध रूप से गुरुदेव के प्रचार के लिए और विशुद्ध रूप से अपनी अनुभूतियों को यहाँ पर साझा करने के लिए बनाया गया है। किसी व्यक्ति विशेष के हम फॉलोअर्स नहीं है, हम सब गुरुदेव के फॉलोअर्स। इसलिए इस मंच पर जुड़ करके हम अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियां शेयर कर सकते हैं, साथ में हमने प्रचार कार्य कर रहे हैं उसको अपन बता सकते हैं, ताकि हमारे बीच में जो गुरु भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, साथ में आगे यूट्यूब पर जो अपलोड होता है वहां पर भी इसको लोग देखें, सुने और आगे गुरुदेव के इस दिव्य कार्य में, इस मानवता के उत्थान के कार्य में जुड़ पाए। और हमारे बीच में आज हेमराज जी राठौड़ गुरु भाई जी कोटा से जुड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन कर ले और माइक भी अनम्यूट कर ले। राठौड़ जी गुरु भाई, उनको आप स्पॉट स्लाइड पर ले आए। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई जय गुरुदेव, जी। एकदम व्यवस्थित दिख रहा है आपका जय कैमरा, गुरुदेव, एकदम जय एकदम गुरुदेव। जी, एकदम आनंद आ रहा है। और हर संडे की भांति हमारे लिए, और ये रविवार स्पेशल रविवार है, 15 अगस्त 2021, और उस पुरोधा का भी जन्मदिन है जिसने इस परम सत्ता को, कल के अवतार को, सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आपकी परम चेतना को इस धरती पर अवतरित करने के लिए बहुत बड़ा दिव्य कार्य किया था। उन्होंने कहा था कि मैं परमात्मा से जितना बड़ा वरदान मांग सकता था मैंने मांग लिया। तो स्वयं परमात्मा को धरती पर उतार के लाए आज हम सबके लिए सर्वसुलभ हमारे प्यारे गुरुदेव, उनकी दिव्य वाणी उपलब्ध है। और मैं अब सीधा ही राठौड़ गुरु भाई के साथ आ जाता हूँ और हम आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप कोटा में विराजते हैं और इनसे हमारा बहुत नजदीक का संपर्क संबंध भी है, साथ में बातचीत होती रहती है, सत्संग होती रहती है और इनकी बहुत दिव्य दिव्य अनुभूतियां हैं। तो सबसे पहला सामान्य राठौड़ गुरु भाई एक प्रश्न सभी गुरु भाइयों का यहाँ रहता है, सभी और भी आपसे प्रश्न पूछेंगे जिनकी जो इच्छा होगी, और आपको तो केवल गुरुदेव का नाम लेकर के शुरू हो जाना है। एक सामान्य तो सबसे पहला विषय रहता है कि गुरु भाई आप गुरुदेव से कैसे जुड़े हुए, कौन सा इंसिडेंट था। मैं थोड़ा सा और निवेदन कर दूं, गुरु भाई एक फार्मेसिस्ट हैं, यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं और सीधा सीधा मेडिकल डिपार्टमेंट से इनका जुड़ाव रहता है, और काफी इनके सुंदर सुंदर अनुभूतियां अनुभव है और विशुद्ध अनुभूतियां हैं, सहज भाव से अपने अनुभूतियों को यहाँ पर बताते हैं। तो मैं गुरु भाई आपसे निवेदन करूंगा कि अब आप ये माइक संभाले और शुरू हो जाए। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज आ रही है, शुरू करिए। अच्छा, 3 दिसंबर 2006 रविवार का दिन था। पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम हेमराज राठौर है, मैं कोटा आर्यपुरम निवासी हूं। 3 दिसंबर 2006 को रविवार का दिन था, मैं मेडिकल स्टोर पे बैठा हुआ था, अखबार देख रहा था। उसी समय अखबार में देखा कि शिव योग का कोई कोई गुरुजी दशहरा मैदान में आ रहे हैं। तो मैं घर पे जाके बच्चों को बोला कि आज दशहरा मैदान चलना है। भोजन करके हम सीधे दशहरा मैदान पहुंच गए। कुछ समय बाद ही गुरुदेव वहां पे पधारे, वही स्पीच दी। उस टाइम पे बहुत अच्छी घटना घटी। ओम जी बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष है वो भी वहां आए हुए। तो गुरुदेव ने उनकी तरफ इशारा करके कि इनको सामने बिठा दो, और 2-3 गुरु भाइयों से ही माल्यार्पण उन्होंने करवाया। फिर स्पीच हुई। स्पीच के बाद गुरुदेव ने कहा, तो हम तो फर्स्ट टाइम गए थे, सिद्धियों क्या है, चलो। तो उस हिसाब से गए थे। तो पहले ही दिन गुरुदेव ने ध्यान के दौरान मेरे एक जबरदस्त झटका गर्दन के पीछे की जोर लगा, मतलब गहरा ध्यान लग गया मेरे। फिर जैसे ध्यान खत्म हुआ, अपन गुरुदेव ने कहा था आंख नहीं खोलनी, कोई झटका लगा तो लगा, मैंने आंख नहीं खोली। और ध्यान का कार्यक्रम जैसे खत्म हुआ तो मैंने
मेरे धर्म पत्नी से पूछा तेरे क्या अनुभव हुआ, कि मेरे कुछ होने लगा है, मेरे ऊपर कोई लेडी जाके गिर गई तो मेरी आंख खुल गई। तो गुरुदेव ने उस समय बोला था कि कल जिसको दर्शन करने हो तो आईएल ग्राउंड में मैं मौजूद रहूंगा। तो मैंने धर्म पत्नी को बोला भाई कल वहां चलना है अपने को, कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं तो नहीं जाऊं। ठीक है, अब मैं शाम को टाइम मेडिकल स्टोर में बैठा हुआ था, मेरी भी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं, परंतु कोई शक्ति नहीं मेरे को जबरदस्त ग्राहकों की भीड़ में से साइड से निकालते हुए वहां पहुंचा दिया। वहां हम दरी पट्टी बिछाने लग गए, फिर गुरुदेव पधारे, वही दर्शन की जानकारी दी और स्पीच हुई मतलब, और ध्यान कराया, तो वहां ध्यान लग गया मेरा। थर्ड दिन मंगलवार था, मंगलवार के दिन में मंगलवार का व्रत रहता था, तो मैं हर मंगलवार को मतलब रोजाना गुरु जी के मतलब हनुमान जी के दर्शन करके ही दुकान खोलता था। उस दिन हर मंगलवार को मैं मतलब प्रसाद वगैरह या चांदी कवर की पूजा हनुमान जी की हुआ करते थे महीने में एक बार। तो मैं प्रसाद लिया और सीधा मंदिर पे, तो मेरे ब्रेक लगे नहीं, मेरे को याद ही नहीं कि मंदिर निकल गया, सीधे गुरुदेव के चरणों में पहुंच गया। गुरुदेव के चरणों में प्रसाद चढ़ाया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और फिर वही ध्यान का कार्यक्रम हुआ। ऐसे ध्यान लगा, तीसरे दिन के लिए गुरुदेव ने बोला बुधवार के लिए कि मैं कल में यहाँ से चला जाऊंगा और सवेरे जिसको यहाँ आना है दर्शन करना है आ जाए। तो सवेरे हम जा पाए नहीं जा पाए, और उस टाइम पे मेरे को किसी ने वहाँ पे फोटो दे दिया गुरुदेव का कि आप मेडिकल वाले हो, आपसे फोटो ले जाओ, इसे से ध्यान करना। मैंने मन किया अरे आप तो कर लिया दो दो, दो बार तो ध्यान हो गया अपना, अब देखे तीन बार ध्यान हो गया उनके, अब घर पे होता नहीं होता। मैंने फोटो रख के ध्यान करा तो मैं तो जब तो वहां से घर ध्यान मेरा घर पे लग गया। तो घर के लोग मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए कि यार ये इनको तो भूत उतना लिया, क्या हो गया इनका। तो थोड़े दिन बाद राजकुमार गुरु भाई मिले मेरे को सामने आरिद्ध हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब ध्यान करो। वो तस्वीर वसीवर दिला लाए, ध्यान करना चालू कर दिया। इस तरह से मेरी यात्रा इसमें आगे बढ़ती रही। फिर पास में ही हम छावनी रहा करते थे उस टाइम पे, प्रधान मंडी में एक कमरे में आश्रम चलता था उस टाइम पे। हम रविवार के दिन वहां पे आश्रम में जाते, खुली आंख से मेरा ध्यान लगने लग गया, घर पे भी ध्यान लगने लग गया। फिर धर्म पत्नी के लिए बच्चों के लिए प्रार्थना करी तो वो भी ध्यान करने लग गए। तो हम चार मेम्बर फैमिली में सब लोग ध्यान करने लगे, सबको ध्यान लगने लग गया। जब से ध्यान से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। अब एक बार की बहुत अच्छी घटना है, वहाँ पे आश्रम में थे हम, धान मंडी आश्रम में शाम को आरती हो रही थी, तो खड़े होके हम हाथ जोड़ के मतलब मेरे खुली आंख से आरती के टाइम ध्यान मतलब ऑटोमेटिक ध्यान लगने लग जाता था। बैठने के बैठते थे जब तो लगता ही था, पर खड़े खड़े भी ध्यान लगने लग गया। तो गुरुदेव मेरे को उसी क्षण खिड़की में से ब्रह्मांड के से, अब वो तो अविस्मरणीय जगह दिखाई थी, गुरुदेव ने जगह जगह दिखाई पूरी आरती के टाइम पे मेरे को पूरे ब्रह्मांड में ले गए। जैसे आरती पूरी हुई वापिस उसी खिड़की से आए वहां बैठे, तो इस तरह की घटना मेरे साथ हुई। अब मेरी इच्छा थी भाई मैं दीक्षित हो जाऊं, उस टाइम गुरुदेव दीक्षा नहीं दिया करते थे, और मेरे तो पहले से ऐसे तो ध्यान लगता ही था। ध्यान भी बहुत गहरा लगता था, और दुकान पे से मैं जैसे ही सीट छोड़ता और गाड़ी पे जैसे स्कूटर था उस टाइम में मेरे पास, स्कूटर पे बैठता गाड़ी स्टार्ट होते ही गाड़ी पे ध्यान लगने लग जाता। मतलब घर पे पहुंचते कोई बाथरूम में तो मेरे क्रिया होने लग जाते, हाथ पैर धोता उसके पहले तो हाथ पैर धोता वहीं पे क्रिया चालू हो जाती। बाथरूम रूम में बैठता जितने तो जबरदस्त क्रिया, फिर उसके बाद भोजन होता। उस टाइम से अनुव्रत सुबह शाम ध्यान कर रहे हैं। फिर थोड़े दिन बाद खुद गुरु भाई गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था तो घर पे पधारे, तो उन्होंने कहा यार ये इतनी सारी तस्वीरें हाँ मन की ये तो तुमने पूरा
बोल बना रखे है सारे देवी देवताओं का, तो उन्होंने कहा इनको तो सबको हटाओ यहाँ से, इनकी कोई जरूरत नहीं है। उसके पहले एक ज्योतिष मिल गया मेरे को, कोई नागर, उसने कहा यार तुम्हारे घर में बहुत खंडित मूर्तियां हैं, इनको तस्वीरों को हटाओ। तो कुछ तो पहले से हटवा दी, कुछ गुरु भाई आए जो वो सारे समेट के और वो तालाब में जाल के डाल दिया। फिर दुकान की भी तस्वीर हट गई। जब से अब गुरुदेव की एक ही तस्वीर घर में है और हम गुरुदेव के अकेले, मतलब गुरुदेव हमारे है सब कुछ है। उसके बाद मतलब हम जो जोधपुर का जाने का सिलसिला जारी हो गया। तो मई के टाइम पे गए, मतलब है दो तीन महीने में दीक्षित होने के पहले ही सही वहाँ जाना, जोधपुर गए हम दो चार बार। एक बार मैंने जबरदस्त ध्यान कराया, गुरुदेव ने ध्यान कराया तो जबरदस्त ध्यान लगा मेरा, वो चीखना चिल्लाना। तो गुरुदेव ने कहा इसको पानी वानी पिलाओ भाई, जो भी कोई हो सके उस टाइम कोई काम सीख सकती थी या कोई मेरे अंदर जो सब निकल गया, सब कोटा की जो भी गुरु भाई, तो उन्होंने खाया आज राठौड़ जी का सब कुछ हल्का हो गया। मतलब फिर गुरुदेव से मैंने प्रार्थना करी, ध्यान कर आशीर्वाद देते हैं जब, तो मन के गुरुदेव मेरे को दीक्षित करो कि कुछ समय बात हो जाओगे आप। तो फिर उसके बाद गुरुदेव ने राइट 9 महीने बाद सितंबर के महीने में 9 महीने बाद मेरे को दीक्षित करा। माँ जिस तरह से पेट में बच्चे को 9 महीने तक पालती है, उसके बाद तो दीक्षित हुआ। इस तरह से ये कर्म चल रहा है जब से। तो मतलब जीवन में जैसे खान पान में जब गुरुदेव का ध्यान शुरू किया तो खान पान में बदलाव, गुरुदेव कहते हैं खान पान में बदलाव आया, तो आपके जीवन की दिनचर्या और खान पान में कैसे बदलाव आया था शुरू शुरू में? खान पान में इस तरह से परिवर्तन आया, जैसे मैं गुरुदेव से जुड़ा या गुरुदेव ने जैसे मेरे को गुरुदेव ने जोड़ा, उसके बाद मेरे को जो प्याज लहसुन प्याज की सब्जी बदबू आने लग गई ऑटोमेटिक, मैं खा ही नहीं सकता। मतलब रूम में सब्जी रखी तो मैं वहां नहीं ठहर सकता था, ये स्थिति होगी। लहसुन प्याज छुटा दिए गुरुदेव ने मेरे, फिर ये स्थिति चली मैंने 6 महीने करीबन, फिर वापस चालू भी हो गए ऐसे बहुत। फिर उसी समय मेरे क्या हुआ था कि अरे इसके पहले की घटना, ये पहले में बड़ा ये सांसारिक माया मोह में उलझा हुआ था गुरुदेव से जुड़ा उसके पहले, फिर वो माया मोह धीरे 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 मेरे कम होते गए। फिर क्या हुआ कि माया मोह से मुक्त होते 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 फिर क्या, उस टाइम पे मेरे क्या कि गैस्ट्रिक ट्रबल होने लग गई थी। मैं सुबह नाश्ता करता था, दिन में भोजन करता था, वो खाना में खाना क्या होता था कि पचने में दिक्कत होने लगी मेरे, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में, मतलब 4 बजे की चाय पीता ना, जब भी वो डकार आती खाना पचता। मन की यार अपन मेडिकल से जुड़े हुए आदमी है, फिर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुदेव से जुड़ी गए थे उस टाइम पे, तो गुरुदेव ने फिर वो चाय छुटाया, जब से वो चाय आज दिन तक छुटी हुई है। और वो जो भी प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या जो भी सर में गैस चढ़ना करना, वो सारी ऑटोमेटिक कम हो गई। उस टाइम मेरा 82 किलो वेट था, वेट भी धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया 5-7 किलो। तो मेरे से जो ये छोटी समस्या थी वो भी खत्म गुरुदेव ने कर दी। ध्यान के दौरान आध्यात्मिक अनुभूतियां भी होती होंगी, जब ध्यान में कोई दर्शन हुए हैं या ध्यान में आध्यात्मिक अनुभूतियां किस प्रकार की हुई है? ध्यान में मेरे को बताया कि मुझे ध्यान में क्या होता रहे कि मेरे को बड़ी विशेष तरह की खुशबू का अनुभव होता रहता है, वो अभी भी होता है। अभी गुरु पूर्णिमा के दिन अपन साथ बैठे हुए थे तो मैं आपको बता रहा है, उसके पहले मेरे मस्ती में था, बिल्कुल ध्यान हुआ, मतलब जो खुशबू का मजा ले रहा था। फिर मैंने चलो गुरु भाई बैठे हैं तो 2 मिनट बात करें, तो आपसे बात करी, मैंने ये सब बोला कि मन किया मेरे को बड़ी खुशबू आ रही है, आपने बोला कि बड़ा मजे लो, तो इतने में गायब होगी। इसी प्रकार मैं उस टाइम पे जुड़ा था जब राजकुमार जी की 800 गाड़ी में बैठ के हम विद्यानगर जाया करते थे गुरु भाई के यहाँ, तो उस टाइम पे मेरे को उस गाड़ी के अंदर भी बड़ी खुशबू की महक आती थी, विशेष तरह की अद्भुत खुशबू कर सकते हैं उसको। कितनी बार ध्यान घर पे ध्यान करता था, जब भी वो अद्भुत खुशबू में तो मजा लेता था मैं। ऐसे आश्रम में जो जोधपुर आश्रम भी वो खुशबू को मेरे साथ रहती थी,
और इस भौतिक जीवन भौतिक जो कितनी बार क्या होता था कि चार ग्राहक खड़े हुए मेडिकल स्टोर पे और हम मेरे को लगता कि यार इसको पर्चा दे दिया जाए गुरुदेव का, तो मैं थ्री फोल्डर उसको देता समझाता ग्राहकों के बीच में, वो अंदर से गुरुदेव आदेश देते उसको ही पर्चा दे पाता था मैं। तो एक मेरा कस्टमर बोले कि आप इस तरह से ये बीमारियां ठीक करने के पर्चे दे रहे हो तो आपका मेडिकल स्टोर का क्या होगा। अच्छा तो मैं तो ये पर्चे देता हूँ ना मन का, तो मेरा काम और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सही बात है सही बात है। हमारे हिंगू गुरु भाई जी इसमें मुंबई में वो भी मेडिकल स्टोर चलाते हैं, दिन भर पता वो दवा देते हैं, दवा के साथ में पर्चा देते हैं, उनका भी धंधा ऐसे चलता रहता है, गुरु चलाते रहते हो दिन भर बैठे रहते हो। जी 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 फिर ऐसे हम जी जी जब गुरुदेव कोटा पधारते तो घर घर जाके हमने पर्चे देते तो लोग बहुत सी जगह पहचान जाते कि यार आप तो मेडिकल वाले हो। हाँ तो फिर आपके मेडिकल के क्या होगा, आप तो दवाएं ये बीमारियां खत्म करने के पर्चे बांट रहे हो, इसकी चिंता आप मत करो, आप तो वहां पर पधारो और इस चीज को समझो, ध्यान करो, आपको समझ में आ जाएगा जो भी। अच्छा ऐसा कोई उदाहरण गुरु भाई, ऐसा कोई अनुभव जीवन में आया हो कि जैसे आपने किसी को मेडिकल लाइन में रहते हुए बताया उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो गुरुदेव के दर्शन से और वो मेडिकल के बाद उसकी दवाई तो छूट गई और गुरुदेव से जुड़ गया, ऐसा कोई अनुभव है? हाँ ऐसा है ना, क्या हुआ कि मेरे एक बार की कर्मचारी एक ही कर्मचारी था, मैं दो कर्मचारी रखता था, अभी तीन कर्मचारी गुरुदेव के पास है। तो दूसरे कर्मचारी की मैं गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव ने एक बंदे को मेरे दुकान पे भेजा। अब मेरे मुंह से क्या निकला, ये मन के तो गुरुदेव की दुकान है भैया, ये जो चाहेंगे जो तनख्वाह देंगे और यहाँ पे तो आध्यात्मिक काम करना है तुम्हारे को, ऐसे वैसे। तो उसके पता नहीं क्या दिमाग में बैठा कि हाँ यार ये आदमी सही है, तो वो कल से काम पे आने लग गया और उसके दो तीन दिन बाद खेती मुद्रा चालू हो गई और अब गुरुदेव पधारते रहते थे कोटा में। अब वो सोचे कि मैं जाऊं तो ऐसे मतलब उसको खेती मुद्रा चालू हो गई, ऑटोमेटिक योगी क्रियाएं चालू होगी और उसकी जो भी बीमारी वीमारी तो सब खत्म होगी। आज भी वो मेडिकल लाइन में काम कर रहा है और गुरुदेव से जुड़ा हुआ है। ऐसा मतलब गुरु भाई जैसा आप मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं, सामान्यतः ये एक इशू रहता है कि मेडिकल वाले लोगों के लिए इस साइंस के लिए मानना बड़ा दुर्लभ रहता है, कठिन रहता है कि वो गुरुदेव को स्वीकार करना उनके लिए बहुत कठिन सा लगता है उनको कि हम कैसे करें, हमारी मेडिकल लाइन हमारे तो विज्ञान है, हम विज्ञान को कैसे छोड़ करके आध्यात्मिक के शरण में जाए। तो आप लोग जब गुरुदेव से जुड़े तो ये आपके मन में लगा नहीं कि वो नहीं हुआ कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और उस समय फिर वो जो एक अनुभव हुए हैं वो गुरुदेव ने कुछ ऐसा अंदर से अनुभव दिया होगा कि बेटा चलो मेरी लाइन में आ जाओ क्योंकि मेडिकल लाइन तो मैं खुद ही चलाता हूँ, ऐसा कोई अनुभव हुआ हो? भाई वो तो उन्हीं की कृपा थी ना, जब ही तो मैंने अखबार पढ़ा और सीधा दशहरे मैदान पहुंच गया, पहले दिन योग क्रिया होगी तो मेरा तो दिमाग से तो कोई लेना देना था ही नहीं, गुरु ने मेरे को खींचा या किसी गुरु भाई के माध्यम से या किसी पर्सन के कहने से मैं वहां गया हूँ, ऐसा थोड़ी हुआ मेरे साथ, गुरुदेव ने मेरे को खींचा। एक अनुभूति सुनाई जो आपने अपने मकान का नांगल किया था उस दिन और गुरुदेव का वहाँ बड़ा सुंदर ध्यान किया था, उसका वर्णन कीजिए, थोड़ा बहुत आनंददायक वो दर्शन था। वो दर्शन ऐसा था कि गुरुदेव ने मकान बनवाया तो आप पधारे रहे थे, तो हमने क्या हुआ कि मैदान के खुली जगह पे ध्यान का कार्यक्रम रख दिया और उस टाइम पे ऐसी भयंकर गर्मी, 15 जुलाई का दिन था, भयंकर गर्मी पड़ रही, 2-1 बजे मान के 4 बजे ध्यान का कार्यक्रम होगा, तो यार कितनी भयंकर गर्मी है, न पंखे की व्यवस्था करी अपन ने, कैसे क्या होगा मन करके ऐसे गर्मी में लोग ध्यान करेंगे। तो 4:15 बजते बजते कुछ गुरु भाई रस्ते में चल रहे थे, कुछ आ गए थे, कुछ मेहमान भी आ गए थे, ऐसा तूफान आया 15 मिनट में धूप, 4:15 बजे तक धूप निकलती और एकदम ऐसा तूफान आया कि बरसात के साथ टेंट वेंट सब नीचे और गुरुदेव की तस्वीर को हम संभालते हुए अंदर लाए, गुरुदेव को तो ध्यान अंदर कराना था, जब बारिश होनी थी, बारिश होगी
तो बाहर जिमने का कार्यक्रम भी नहीं होना था, भोजन का भी भोजन का कार्यक्रम घर के अंदर होना था, गुरुदेव की मर्जी थी, पर अपन समझ नहीं पाते ना। तो गुरुदेव ने फिर ध्यान का कार्यक्रम के अंदर करवाया और भोजन का कार्यक्रम भी अंदर ही रहा। और टाइम पे जिन भी सब लोगों ने, जो मेहमानों ने, गुरु भाइयों ने जो भोजन करा, उस चीज को आज भी वो याद करते हैं कि यार इस तरह का अविस्मरणीय भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन। सही बात है, बहुत आनंददायक था, बहुत आनंददायक था, सही बात है जी, बहुत सुंदर अनुभूतियां गुरु भाई। और चलते आप तो सुनाते जाइए, जो जो याद आता जा रहा सब सुनाते जाइए गुरुदेव का नाम लेकर के, बड़ा आनंद आ रहा सबको सुनने में। अभी बहुत सारे और भी कोई गुरु भाई, चौतमल गुरु भाई जुड़े, और भी कोई गुरु भाई बहन कोई विषय गुरु भाई से पूछना चाहते हैं, कोई अनुभूति तो आप बता सकते हैं, हाथ भी अपना हैंड्स अप भी कर सकते हैं। टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बार क्या हुआ कि मैं पलायता जा रहा था, गांव जा रहा था, तो टोल के बचाने के चक्कर में स्कूटर पे थे हम, शिवानी छोटी थी आगे खड़ी हुई थी, मैं गाड़ी चला रहा, पीछे धर्मपत्नी थी, जब बेटा भी नहीं था, तो उसी टाइम पे बेटा था पर वो छोटा था, बीच में था, हम चारों सदस्य उसमें बैठे हुए थे। अब अच्छा। तो टोल के बचाने के चक्कर में एक जीव वाला मेरे ऊपर आ गया बिल्कुल, और अच्छा। हम हमारी गाड़ी बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी चिरची होगी, और हमें बाल बाल बच गए, कुत्ते को बचाना था। इतने में वहां पे जो भी पब्लिक की जनता थी, वो आई यार कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनके तो चूंक भी आवाज नहीं आई, और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसे कितने मेरे साथ एक्सीडेंट हुए, कितनी जगह में गिरा, तो पता लगा कि गाड़ी में 10-25 रुपए लगे, मेरे शरीर में कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है जी। जी जल पी लीजिए, थोड़ा सा जल पी लीजिए, आराम से रिलैक्स होकर के बोलते जाइए। फिर गुरुदेव ने जैसे शरीर छोड़ा, तो उस टाइम हम आसपास जितने भी पार्क थे, हर चौराहे पे लोगों को दर्शन की जानकारी देने जाते, अशोक जी एक गुरु है, ये अशोक जी मेरा, वो हम दोनों जी में। हाँ जी। हाँ। तो हमने चम्बल गार्डन में, बीतरिया कुंड में, आसपास जितने भी पार्क वगैरह थे, ये क्या सेना का जो मैदान है यहाँ पे शिवपुरम में, वहाँ पे भी हमने ध्यान कराया, तो बहुत लोग को इससे फायदा होता चला गया। बहुत से लोग बाद में भी मिलने आते थे दुकान पे, बहुत से कैंसर पेशेंट आते थे, तो हम थ्री फोल्डर दे देते थे, समझा देते थे, उनको बोल भी देते थे भाई चलना चाहो तो आश्रम में ले चलते हैं आपको। परंतु इसमें मन बुद्धि से कुछ नहीं होता। हमारे परिवार में 30 मेंबर है, ससवाल पक्ष में 20-25 मेंबर है, तो कोई उनको दर्शन की जानकारी दी, परंतु वो लोग जुड़ नहीं पाए। इसमें पूर्ण कर्म के जो लखे जोखे के हिसाब से आदमी जुड़ पाता है, या विशेष प्रार्थना से हमारे मम्मी पापा जुड़े, पर वो भी थोड़े दिन जुड़े, थोड़े दिन ध्यान करने लगे, मेरे साथ यहाँ रुकते थे, तो यार मेरे यहाँ गर्दन नहीं मिलती, ऐसा होता है, योग होता है, ऑटोमेटिक क्या क्या होता है, फिर वहां गाँव जाते हैं, वही हनुमान जी मानने लग जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ऐसा है। तो अपनी जो इच्छा होती है, अपनी जो प्रार्थना होती है, उसे गुरुदेव ने उनको शरण में तो लिया, और कुछ समय के बाद फिर वापस आगे में आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर है, बहुत सही बात कही आपने कि गुरु ही वो शिष्य को शरण में लेता है। आदमी प्रयास करेगा, लेकिन यदि वो हृदय में प्रेम नहीं गुरु के प्रति, तो नहीं जुड़ पाएगा। कितने लोगों को हम बताते, लाखों हजारों लोगों को हम बताते, लेकिन जुड़ते उसमें से वही है जो गुरुदेव चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है। परिवार में और क्या क्या परिवर्तन आए, भौतिक जीवन के परिवर्तन, क्योंकि इस आध्यात्म से जुड़ने के बाद लोग कहते हैं कि भाई आध्यात्म से जुड़ेंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तो सब कुछ आनंदमय चल रहा है, तो ऐसे कोई दिव्य परिवर्तन जो इस मंच के माध्यम से आप साझा करना चाहते हैं, परिवार के अंदर जो बदलाव आया है, जीवन शैली में जो बदलाव आया है। संसार में कहीं भी चले जाते, पर अजी पूरी शांति घर में आने के बाद ही, गुरुदेव के दर्शन के बाद ही, गुरुदेव के चरणों में बैठने के बाद ही, गुरुदेव का ध्यान करने के बाद ही,
आनंद आता है और संसार के किसी कोने में आनंद नहीं आता। सही बात है, जो सुख गुरु चरणों में है सच में वो सुख संसार में कहीं नहीं मिलेगा। चौथमल गोड गुरु भाई जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। चौथमल जी गुरु भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करके पूछिए। हाँ जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव। हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे आजकल तो जो ना एलोपैथी का बोलबाला है, गुरुदेव भी कहते हैं कि भाई ये एलोपैथी एक जहर है, और आपके दुकान पे मैं देखता हूँ अधिकांश आयुर्वेद का ही प्रोडक्ट ज्यादा चल रहा है, तो ये आप आयुर्वेद मेरे हिसाब से कई बार खुद भी प्रिफर करते हैं कि भाई ये लो आप ये लो, तो क्या आपको अंतर प्रेरणा मिलती है या आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से या कंपनी के हिसाब से थोड़ा ये बताएं अपने को? तो गुरुदेव का भी सही चीज पूछी, बिल्कुल ये मैं करना चाह रहा था, वो आपने बिल्कुल सटीक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उससे लोग मेरे पास आते हैं कि यार ये गुरुदेव की दुकान है, और बिल्कुल सत्य है, अपना कुछ है भी नहीं, गुरुदेव की दुकान है, अपन दिल से भी ये मानते हैं, गुरुदेव खोल दुकान खोलने जाते हैं जब भी ये कि गुरुदेव आप जानो आपका शॉप है। तो उससे लोग आप तो चलो गुरु भाई, ये अभी सोतमल जी गुरु भाई भी आते हैं कि यार ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है ऐसा ऐसा है, तो मन क्या है ये ले जाओ। वो कंपनी या ब्रांड के हिसाब से हम चीज नहीं देते, वो अंतःप्रेरणा गुरुदेव की होती है उसमें। ये तो आपने तो खुद ने अनुभव भी कर रहा है, सोतमल जी गुरु भाई ने तो मेरे ख्याल से अनुभव भी करी है। ऐसे बहुत से पर्सन आते गुरु भाइयों के अलावा भी जो वो कहते हैं कि यार वो गुरुदेव की दुकान में चलते हैं अपन, वही नहीं कहते कि राठौर साहब की दुकान पे चलते हैं, राठौर साहब का कोई रोल भी नहीं है, गुरुदेव की दुकान पे चलते हैं और उनसे पूछते हैं कौन से डॉक्टर को दिखाना है या क्या करना है, क्या राय लेनी है, या ये प्रॉब्लम है तो क्या करना है। ऐसे ऐसे तो बहुत से मेरे पास लोग आते हैं जो तो मेरे से जानकारी लेते हैं और गुरुदेव अंदर से अंतर प्रेरणा देते हैं, फिर वो तुरंत ही साइड पे मेरे कानों में भी आवाज आती है, तो नहीं देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे चलेंगे तो बिल्कुल सही राय मिलेगी, अब कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने, मतलब वो एक सेटिस्फेक्शन हो जाता था बिल्कुल यार, इन्होंने कहा। सही बात है, गुरुदेव ने कहा कि मेरा नाम लेकर के यदि तुम कुछ भी काम करोगे तो तुम नहीं रहोगे वहां पर, मैं ही रहूंगा और मैं ही काम करूंगा तुम्हारे अंदर से बैठने, चाहे वो चिकित्सा करो चाहे वो चिकित्सा में मेडिकल की दवाई दो, गुरुदेव का नाम लेके दवाई देंगे तो गुरुदेव का प्रसाद बन जाएगा, दवा नहीं रह करके वो काम करेगी अंदर निश्चित रूप से। जी जी, और भी कोई गुरु भाई बहन अपने राठौड़? जी जी बताइए गुरु भाई जी। मतलब ये जो मानो कि अपन सर्दी जुकाम की एक दवा देते हैं, अब वो मेरे को मालूम नहीं फॉर्मूला क्या दे देते हैं हम, परंतु 40-50 रुपए में अमूमन लोग मेरे से बड़ा सेटिस्फेक्शन होके जाते हैं, अब वो गुरुदेव की मर्जी है, अब लोग पता नहीं कहां कहां से ऑटो रोक के वो दवा लेने आते हैं मेरे पास, यार वो सस्ते में अच्छा सा इलाज कर देंगे। अरे रोजाना के मेरे 10-10 ग्राहक ऐसे लोग आते हैं, तो ये सब गुरुदेव की कृपा है। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो दुकान ही गुरुदेव की है, हम ही गुरुदेव के हैं, तो कृपा भी गुरुदेव की, और वो पता जो ट्रीटमेंट करने वाला उसको भेज रहा है कि ट्रीटमेंट जा वहां जाके वहां से वो दवा लेके आके, क्योंकि परमात्मा उसके अंदर भी बैठा उसको भी प्रेरणा दे रहा है, तो सब जगह गुरु की सत्ता व्याप्त है। बहुत सुंदर गुरु भाई, और भी कोई गुरु भाई बहन अपने राठौड़ गुरु भाई बैठे हैं उनसे कोई जिज्ञासा हो कोई बात करना चाहते हैं तो सीधा अपना माइक अनम्यूट करें और बात कर सकते हैं। रवि गुरु भाई, खींची जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप, मतलब मैं भी कोटा का ही रहने वाला हूँ, ऐसे विज्ञान नगर में अपना घर है, और अब देखा जाए तो पूरा मुझे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो जाएंगे गुरुदेव से जुड़े, और तो मैं बड़ा मन करता था जब गुरुदेव के बारे में, मैंने तो एक्चुअली किसी ने नहीं बताया था मुझे, मेरे को बस इतना मेरे भैया ने बोला था कि गुरु सियाग एक हैं, वो एकदम उनका ध्यान से शून्य में चले जाते हो आप जैसे ही करते हो, तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करके ऐसे बड़ा जो भी मुझे समझ में आया, बट एक दिन ध्यान की विधि कहीं पढ़ने को मिली और उसको फॉलो किया तो बड़ा अच्छे से ध्यान हुआ, तब बड़ी
जिज्ञासा हुई कि अरे कोटा में भी अपने कोई होंगे, उनसे जाके मिलेंगे, जानेंगे क्या क्या होता है इस ध्यान में। तो फिर मेरा मतलब वही हुआ, कोटा में भी आया, मालूम पड़ा आश्रम भी है और वहाँ एक कपिल भाई हुआ करते थे, छावनी में कपिल भाई, और अपने श्याम जी से मिलना हुआ मेरा। सबका बड़ा यूँ लगता था कि एक होता है ना, कितने मैक्सिमम लोगों से मिल सको और इसके बारे में जानो, बड़ी जिज्ञासा रहती थी। तो आज आपको देख के बड़ा अच्छा लगा कि अब नेक्स्ट टाइम कोटा अगर मेला आना होता है तो आप सबसे भी मिलेंगे। और अभी तो हमारा बस यही चल रहा है कि किस तरह से अपनी एक तो पर्सनल साधना बहुत अच्छी होती जाए, इसके लिए आप अगर कुछ लोगों को सजेशन देना चाहेंगे। गुरुदेव तो यही कहते हैं, नाम जप और ध्यान करो, जितना समर्पण होगा जैसे गुरुदेव का और दादा गुरुदेव के प्रति था उतना ही रहेगा। बट कहीं कहीं रहता है कि यही तीन चीजें हैं, नाम जप ध्यान और समर्पण से गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते रहें। बट यही है, कई नए साधक आते हैं, कुछ लोग थोड़े टाइम में आके फिर चले जाते हैं, या कुछ ऐसा रहता है मतलब उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे होते हैं ना, जिनको नए नए को बताते हैं तो एक रिटेंशन रेट बोल लो, या जो आए हैं उनको भी मतलब यूँ रहता है ना, एक फॉलो अप करते रहना। तो उसमें कुछ अगर आप कहना चाहें कि कैसे हम जो नए गुरु भाई बहनों को जोड़ें और फिर उनको भी गुरुदेव में मतलब, हालांकि सब गुरुदेव की मर्जी से होता है, हम तो क्या करें, बट आपके कुछ सजेशन हो कि भाई क्या रखना चाहिए नए गुरु भाई बहनों जिनको हम लेके आए साधना में, दर्शन बताएं उनके बारे में। गुरुदेव से प्रार्थना करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है। अच्छा, आपके दिमाग में कोई भी विषय आता है कि मेरे को ये करना है या मेरे को गुरुदेव के चरणों की सेवा देनी है। मेरे उस टाइम की एक घटना और याद आ रही मेरे को। मैं दुकान पे रहता था, मेडिकल लाइन में बिजी शेड्यूल रहता है थोड़ा। मेरे दिमाग में आता, मन के यार सब लोग सेवा देते रहते हैं, अपन किस रूप में सेवा दें गुरुदेव। मैंने गुरुदेव से एक जाने अनजाने में ऐसे शब्दों में प्रार्थना होगी। प्रार्थना होते मेरे को दो तीन दिन बाद पता लगा कि आपके मेडिकल स्टोर का चेन करा गया है मेडिकल, मतलब अपने आश्रम की तरफ से यहाँ पे गुरुदेव की सामग्री रखाई जाएगी और इसको आप लोगों को, मतलब जो भी लोग यहाँ पे गुरुदेव के तस्वीर कैलेंडर या जो वहाँ की जो भी सामग्री थी ताबीज वगैरह जो गुरुदेव का हुआ, तो लोगों को उस चीज का एड आ गया स्पेशल साइंस में। और लोग जो भी अभी आप सपोज करो विज्ञान नगर रहते हो, अब आश्रम नहीं जा पा रहे, अब आपको तस्वीर चाहिए तो तस्वीर मेरे यहाँ मिल जाती थी। तो अच्छा, अंदर से मतलब प्रार्थना करोगे ना तो आपको वो काम हो जाएगा। मैं आप लोगों की सेवा देना चाहते हो, गुरुदेव का मिशन में सहयोग करना चाहते हो तो आप उसके लिए गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हो। भाई नाम जप ध्यान तो करना ही है, गुरु से प्रेम तो करना ही है, और जितना ज्यादा हो सके मन फ्री टाइम पे फालतू ये चीजें नेट वेट ये इंटरनेट ये दुनिया व्हाट्सएप इनमें नहीं जाके गुरुदेव के एवीसके के बारे की स्पीच रोजाना घर में एक बार सुनो, उससे क्या पॉजिटिविटी रहेगी, घर में माहौल पॉजिटिविटी में रहेगा। बिल्कुल 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 सही कहा गुरु भाई, बिल्कुल सही कहा। ये हमारे घर में जिस घर में गुरुदेव की वाणी सुनाई देती है, गुरुदेव के भजन सुनते हैं, गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं और गुरुदेव की चर्चा होती है, तो वहाँ निश्चित रूप से जो एनर्जी है वो काम करना शुरू कर देती है। और मैं अनुभव किया, आपके घर पे आना जाना हुआ तो बहुत सी बार अनुभव करते थे कि वहाँ बैठने के बाद ऑटोमेटिक योग शुरू हो जाता है। और गुरुदेव के इनके घर पे एक बड़ी सुंदर, इन्होंने एक बड़ी सुंदर तस्वीर बनाई है और वो तस्वीर इतनी प्यारी है, वो उनके इनके ड्राइंग रूम में रखी हुई है। वो उसको देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, मतलब बहुत सारी जगह जाना होता है लेकिन इनकी वो जरूर आप दर्शन करवाएंगे उसके, कितना सुंदर बना हुआ है तो बहुत मजा आएगा एक बार सबको दर्शन करवाए उसका। तो बिल्कुल दर्शन कराता हूँ गुरु भाई। देखिए बहुत सुंदर, थोड़ा दूर से इसको एकदम से पूरा दिखाइए, ये ग्लास पर बना हुआ है ये, और ये बहुत, इसको थोड़ा सा इसका एंगल चेंज करिए, भी एंगल चेंज कर देंगे कैमरे का तो ये ठीक से दिखेगी। गुरु भाई थोड़ा एंगल चेंज करिए इसका, ऐसे दिख रही आड़ी दिख रही है। हाँ ये इसको एंगल चेंज कर दीजिए गुरु भाई, एंगल चेंज करिए इसको, ये आड़ी दिख रही है, सीधी करिए इसको।
अभी भी नहीं हुआ है। आपका अपना मोबाइल को घुमाइए थोड़ा सा जो सीधा हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है गुरु भाई। ये बहुत सुंदर तस्वीर बना रखी है इन्होंने, बहुत प्यारी लगती है। कभी जाते हैं तो इस तस्वीर को देखते ही ध्यान, अब ठीक है, अब ठीक है। ये गुरु भाई ग्लास पर बनी हुई है ना ये? ग्लास में लगी हुई है गुरु भाई। हाँ ये बहुत सुंदर तस्वीर है। इस पर यहाँ जाने के बाद बैठने के बाद जब भी मैं जाते हूँ कभी भी तो इस पर बैठते हैं यार ध्यान अपने आप अपने अंदर से एकदम गहरा ध्यान चलने लग जाता है। तो ये बहुत आनंद का विषय है। और गुरु भाई बहुत अच्छा लगा बात करके। गुरु बहन भी यदि अनुभूति सुनाना चाहे उनके जीवन की एक दो तो सुना सकती है। गुरुदेव सर, गुरु बहन तो सर मारी आपकी। अच्छा अच्छा, तो बच्चा सुनाना चाहता है, बच्ची सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चा पढ़ने में आपका बहुत अव्वल है, उसका अध्ययन करने से उसके जीवन में पढ़ाई में क्या परिवर्तन आया, आप भी सुना सकते हैं, वो भी सुना सकता है क्योंकि जी मतलब बच्चे लोग बिल्कुल गुरुदेव का सुबह शाम ध्यान करते हैं, हम चारों लोग गुरुदेव का सामूहिक ध्यान करते हैं। और कोई भी यदि पारिवारिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे तो प्रॉब्लम आती ही नहीं, पहली बात तो कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं, प्रॉब्लम का तो कोई काम ही नहीं गुरुदेव के चरणों में। अभी क्या हुआ कि एक बहुत एक घटना बताता हूँ मैं छोटी सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमने क्या हुआ कि राजीव गांधी में जो फॉर्म हो गई है राजू बहुत ही घटना है सही है बहुत ही कमी आने नहीं देते। तो हमने क्या फॉर्म भर दिए वहां पे, दो फॉर्म भर दे प्लॉट के लिए। तो एक धर्म पत्नी के नाम भर दिया, एक मेरे नाम भर दिया। अब गुरुदेव की क्या मर्जी हुई कि लोगों के तो एक ही नहीं निकला, हमारे दोनों प्लॉट थे। तो तुम देते दो है, गुरुदेव का तो मामला है बहुत भिन्न है कुल मिला के। तो गुरु से प्रेम करेगा आदमी, गुरु से प्रार्थना करेगा, गुरु से सुबह शाम ध्यान करेगा, नाम जप करेगा, तो किसी चीज की कमी नहीं आएगी। बीमारियां तो छोटी मोटी बातें हैं, तो वैसे मिनटों में बगबगा जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने गुरु भाई, और बहुत बड़ी बात है कि कोटा जैसे शहर में जहाँ एक एक प्लॉट के लिए लोग तरसते हैं, वहां पर आपके गुरुदेव कृपा करके मतलब दो दो प्लॉट खुलवा देते हैं। तो आपके लिए बधाई की बात हो गई ना, बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। और बहुत सुंदर है जी 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 जी, बहुत सुंदर है। चले और भी कोई गुरु भाई बहन गुरु भाई से कोई बात करना चाहते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। 8:30 बज गए हैं, हमारा 45 मिनट का पूरा समय हो गया। गुरु भाई आपसे बात करके आनंद आ गया, और ये इसको लाखों लोग देखेंगे और अनुभूतियों से अपना जीवन में लाभ उठाएंगे। मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा, इसी बीच में कोई गुरु भाई अपना विषय रखना चाहते हैं, कोई अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, तो साथ में आ सकते हैं गुरु भाई के साथ में। चलिए मैं हिंगू गुरु भाई जी से निवेदन करूंगा। हिंगू गुरु भाई जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत जय गुरुदेव। आप दोनों मेडिकल लाइन के हो, आप दोनों मेडिकल लाइन के हो, जरा एक बार बात तो कर लो। हॉस्पिटल में ना इनसे मिले हुए हैं कितनी बार गुरु भाई से। जी 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 जय गुरुदेव अमराज जी भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अपना भी मेडिकल का ही है। हाँ मेडिकल है। आप तो बॉम्बे हॉस्पिटल में हो? नहीं नहीं, अपना गुरेगांव में, बॉम्बे गुरेगांव। आप बॉम्बे में ध्यान वगैरह कराते रहते हो? आप स्पिरिचुअल साइंस में आता था आपका लेख? कितनी बार अपन पलाना बीकानेर जोधपुर में मिले हुए हैं। एक बार तो पलाना साथ ही थे अपन जाम सर गए थे, फिर एक ही साथ टेम्पो में गए थे इधर। बहुत बढ़िया अनुभव, बहुत बढ़िया आपका, बहुत बढ़िया गुरु भाई जी। यहाँ देवी गुरुदेव का ही रखा है सब, देखो गुरुदेव का ही अच्छा के दिया। तो आपका सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताइए कुछ। क्या गुरु भाई? जो गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं तो अपने आप से अनुभूति कराऊंगा, आत्मा की अनुभूति कराऊंगा, तो आप वो उसके बारे में आपकी कुछ अनुभूति बताइए, आप शेयर कीजिए आपकी आत्मा की अनुभूति, रिलाइज कैसा हुआ आपको? वो पूछ रहे हैं गुरु भाई कि जब ध्यान करते हैं तो अपनी आत्म अनुभूति में मतलब आत्मा की अनुभूति का रिलाइजेशन हुआ क्या?
मतलब जैसे ध्यान करके फ्री होते हैं या ध्यान में जब रहते हैं तो एक बड़ी अजीब सी मतलब शांति का अनुभव होता है उस टाइम पे। अभी मैं दिन भर के अपने काम से मेडिकल शॉप से फ्री होके जैसे ही आता हूँ तो जब ध्यान करके करता हूँ तो सारी दिन भर की थकान वो 15 मिनट में खत्म हो जाती है। ये आत्मा की अनुभूति है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। मैं तो यहाँ पे तो लोगों को मेडिसिन देता हूँ, उससे लोगों को फर्क आ जाता है। डॉक्टर परेशान है यहाँ का लोग, सिंपल मेडिसिन देता हूँ। अभी एक पेशेंट था 4 दिन पहले, कोरोना का पेशेंट था, दवा दिया ठीक हो गया एकदम कोरोना का, ये ले लो ठीक हो जाएगा, 4 दिन में ठीक हो गया। तो इस तरह गुरुदेव की कृपा है सब कुछ, ये मेडिसिन भी काम करने लगती है, मैटर प्लस स्पिरिट। गुरुदेव का आशीर्वाद काम करता है अपने मन में। अच्छी गुरुदेव की चेतना है वो काम करती है, चेतना प्लस मेडिसिन दोनों काम करेगा तो ये हो जाएगा ना। नहीं बहुत अच्छा है आपका जो है ना अनुभूति, बहुत बढ़िया है एकदम सही है एकदम। करते हैं कन्हैया तू नाम मेरा हो रहा है वो वाला कहावत है इसमें, तो करने वाले तो वह है, नाम अपना हो जाता है। कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सो होए, गुरु करने वाला है। और ये बड़ा अद्भुत संगम है कि हम लोग देश भर के लोग आप गुरु भाई आपस में मिलकर के एक ई प्लेटफॉर्म पर हम लोग आपस में सत्संग कर रहे हैं। गुरुदेव ने इतना सुंदर अवसर दिया है। चले हिंगू गुरु भाई जी, मैं जी कच्छप जी भाटी कुछ पूछ रहे हैं। कच्छप जी भाटी गुरु भाई जय गुरुदेव, आप जयपुर से हैं जी। कच्छप जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नहीं अभी आपको गुरु भाई सुन रहा था, कुछ गुरु जी के प्रचार प्रसार में कुछ अपना योगदान के लिए ट्राई करना चाहिए। तो जैसा आज अभी थोड़ा टाइम हो गया, लेट तो नहीं हो रहे? हाँ 5-7 दो 4 मिनट ले सकते हैं आप, अपनी बात रखिए गुरु भाई, रखिए कोई दिक्कत। हाँ तो मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ जयपुर में, उसमें आज झंडारोहण अपने इंडिपेंडेंस फ्लैग होस्टी सेरेमनी के टाइम जो वैसे बड़े बड़े लोगों को ही ऐसे उधर स्टेज पे बुलाया जा रहा था, तो वैसे मैं पहले ट्राई तो कर रहा था क्योंकि इसमें जैसे हम लोग पहले मैक्सिमम डॉक्टर्स इंजीनियर्स एंड मेडिकल साइंटिस्ट ग्राउंड बैकग्राउंड से लोग हैं, तो थोड़ा बहुत ट्राई किया था मतलब मेरे को रिस्पांस नहीं मिला था। तो आज पता नहीं गुरुदेव ने क्या प्रेरणा ली, मेरा कुछ ऐसे उधर स्टेज पे जाने आने का कुछ नहीं था। सॉरी मैं आपका टाइम था, मैं मेरा टाइम इसे शेयर कर रहा हूं। नहीं 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 आप कंटिन्यू करें, बहुत आनंद आ रहा है। आप तो सबका टाइम है, आप अपने गुरुदेव के लिए स्टेज। मैं ऐसे जस्ट सेक्रेटरी साहब बोला मुझे एक्सक्यूज मी, उन्होंने मतलब एक प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ बताया था कि बच्चों को थोड़ा अनुशासन उनको मतलब अच्छे संस्कार दीजिए वगैरह, तो मैं बोला एक्सक्यूज मी मैं भी इसमें थोड़ा 2 वर्ड ऐड करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। बोला ओके। तो मैंने जस्ट इसमें एक मिनट 2 वर्ड ऐसे ही अपना ट्राइस किया था अपना ये बच्चों के कार्यक्रम के बारे में। ये इन्होंने बोला कि बच्चों को जागरूक हो गया, बच्चों का अनुशासन, उसी के मैं थोड़ा सा दो शब्द बात बताना चाहूंगा। हालांकि मैं आज में जो मैं बताने चाह रहा हूँ ये कि आध्यात्मिक विज्ञान से तो मतलब ये बात रखी और मैंने पैरेलली वो सेक्रेटरी साहब से बोला मुझको अगर आपका इज्जत हो थोड़ा जो सोसाइटी के ग्रुप है वो मैनेज करते हैं एडमिट वगैरह इस पे मुझको थोड़ा इस दिव्य पद को थोड़ा ग्रुप पे शेयर है, इसीलिए मैं रामलाल जी आपको कॉल किया था मुझे इसकी थोड़े मेरे को वीडियो क्लिप वगैरह दीजिए, वैसे मेरे को इतना मेरे पास नहीं है। तो वैसे उस ग्रुप पे डालनी होती थी वो चीजें क्या होती, पहले मैनेजर को शेयर करनी होती, देन मैनेजर यूज टू सेंड टू सेक्रेटरी, देन ही डिसाइड इट इज टू बी अपलोडेड और नॉट। तो मैंने चेष्टा तो की थी अराउंड वही मॉर्निंग के सेशन में मैंने वो जो आपने भेजा वो भी भेज दिया, बट स्टिल दे हैव नॉट पुट ऑन दैट सोसाइटी ग्रुप। हो सकता है उनका भी इस बात पे आने का टाइम नहीं आया, लेकिन मेरे प्रयास यही रहेगा कि कुछ लोगों को जोड़ने का कोशिश करूँ। एक दो लोग तुमको ऐसे पर्सनली बातचीत हुआ दे बोला ओके वी विल ट्राई करके, कुछ ने बोला देख दो कि हम आ जाएंगे सेशन, हो सकते
उनसे डाउनलोड नहीं हुआ वगैरह व्हाटएवर जो भी है, बस यही आज की अनुभूति अभी टाइम हो रहा है। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। अपने प्रयास से अपनी डाक को पहुंचा देने का काम गुरुदेव को काम गुरुदेव करेंगे। हम अपनी डाक डिलीवर हो गई है, सही व्यक्ति के साथ पहुंचा दी है, अब अपना काम फ्री है, गुरुदेव जब चाहेंगे वापस जोड़ लेंगे उसको। चलिए बहुत सुंदर है गुरु भाई, कच्छप गुरु भाई जी, भाटी जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और इस सेशन को ये गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। हिंगू गुरु भाई करूंगा जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।